नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं अनिल कुमार यादव सूरज। चलिए बताते हैं लास्ट लेयर, ये जो अंतिम का लेयर है इसको बताते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले एपिसोड में बताया कि पहला लेयर कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद बताएं दूसरा लेयर कैसे बनाते हैं। दो लेयर को हमने बताया इसके पहले वाले एपिसोड में। यदि आप पहले व्यूअर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले और दूसरे लेयर को कैसे बनाते हैं उसको आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे इस तीसरे लेयर को किस प्रकार से बनाते हैं, तीसरे लेयर को और पूरा रूबिक क्यूब को फाइनल कैसे करते हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इस ये जो है कलर पीला, इसको ऊपर रखना है। हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी कि हमेशा पीला ऊपर होना चाहिए। चलिए रख दिए। रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीला पे आपको पीले रंग से प्लस बनाना है। जैसे ये है, यहाँ पे पीला होना चाहिए, एक यहाँ पे पीला होना चाहिए, एक यहाँ पे, इस तरह से ये पीला होना चाहिए। हमें कॉर्नर पीस को ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ पे पीला रंग बनाना है। तो जैसे कि दो तो हो चुका है, लेकिन दो और चाहिए, दो और चाहिए। तो वो बीच का पीस है, बीच का पीस है, तो वो देखते हैं कहाँ पे है। वो पहले तो देख लेते हैं है कहाँ। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे पीस है। इसको यदि हम यहाँ पे डाल देते हैं तो ये बन जाएगा, और कहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको यदि डाल देते हैं यहाँ पे तो ये बन जाएगा पीस प्लस। तो इसको डालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जिसको एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए उस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं बेसिक नॉलेज एक बार फिर से। देखिए ये क्या है, अप, ये अप है ऊपर का। अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, मतलब कि घड़ी की दिशा में। अब इस तरह से घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और ये क्या है, ये वाला, ये फ्रंट है। फ्रंट को यदि घुमाते हैं ऐसे तो ये क्लॉकवाइज, और ऐसे घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये क्या है, ये राइट, ऐसे घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है, लेफ्ट। इस तरह से अभी हम घुमाएंगे, इस तरह से अगर ऐसे घुमाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमें कितना प्रयोग करना है, एक लेफ्ट का, एक राइट का, एक अप का और एक फ्रंट का, और एक होता है डाउन का। अगर ऐसे घुमाते हैं तो हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ऐसे घुमाते हैं तो हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं। फ्रंट क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसके बाद राइट को क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद अप को क्लॉकवाइज घुमा लिए, उसके बाद फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप को एंटी क्लॉकवाइज, फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने घुमा लिया। इस तरह से तो घुमा लिया। अब देखते हैं अप में क्या आ गया, अप में एक सीधा रंग, पीला रंग आ गया। फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं कि वो कहाँ है, एक यहाँ पे पीला है और इसके जस्ट एक पीछे पीला है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पीला है और एक पीछे, तो इसको क्या रखेंगे, इसको एक सामने रखेंगे, एक पीछे रखेंगे, और रखने के बाद फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए फिर से वही यूज करते हैं। पहले अप, पहले फ्रंट क्लॉकवाइज, फिर राइट को क्लॉकवाइज, फिर अप को क्लॉकवाइज, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, अप को एंटी क्लॉकवाइज, फिर फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिए। अब देखते हैं पीला रंग, ये देखिए अब यहां पे बन गया, ये बन गया आपका प्लस, पीले रंग से प्लस बन गया। हमें इसको ध्यान नहीं देना है, ये चारों जो है उसको ध्यान नहीं देना है। अब पीले रंग का बन गया प्लस। अब बताते हैं अगला, अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है, प्लस तो बन गया लेकिन ये इसके मैच करना चाहिए। इसको मैच कराने के क्या करेंगे, ऊपर का लेयर इस तरह से घुमाएंगे और ग्रीन को ग्रीन के साथ रखेंगे। ये ग्रीन ग्रीन के साथ मैच हो गया, इधर रेड रेड के साथ मैच हो गया, लेकिन ये मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया। सभी को क्या करना है, मैच कराना है। इसको इसके साथ मैच कराना है, इसको इसके साथ मैच कराना है, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ मैच कराना है। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, एक मैच किया है, दो मैच किया है, दो मैच नहीं किया है, दो मैच नहीं किया। उसके लिए एक एल्गोरिदम प्रयोग करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे।
चलिए उस फॉर्मूले को आप स्क्रीन पे जो दिया गया उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले राइट को क्लॉकवाइज, फिर अप को एंटी क्लॉकवाइज, दो बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप को एंटी क्लॉकवाइज, राइट को क्लॉकवाइज, अप को एंटी क्लॉकवाइज, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमा लेंगे इस तरह से। ये हमारा ये जो है व्हाइट रंग ये बिगड़ेगा नहीं, जैसे उसी तरह रहेगा और हमारा क्या हो जाएगा। अब इसको चेक करते कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, चलिए इसको मैच कराते हैं। ये देखिए इससे मैच किया, ये इससे मैच कर गया, ये इसको मैच कर गया और ये इसको। जो हमने फॉर्मूला बताया इसको मैच कराने का दूसरा फॉर्मूला, उसको आप तब तक करेंगे जब तक ये मैच ना करे, तब तक करेगा। जब तक आप मैच नहीं करेगा तब तक आपको करना पड़ेगा, दो बार तीन बार चार बार आप करेंगे ये ऑटोमेटिकली मैच करने लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक मैच करता है और तीन मैच नहीं करता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, तीन बार चार बार पांच बार आपको वो फॉर्मूला यूज करना होगा, फॉर्मूला नंबर टू। जब आपका इस तरह से ये मैच करने लगेगा और ये प्लस बन जाएगा तो फॉर्मूला नंबर तीन पे आते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर तीन क्या है, अब इस कॉर्नर पीस को सही स्थान पे रखना है। सही स्थान मतलब ये देखिए पीला पीला पे चला जाएगा, ये ऑरेंज 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 के पास आ गया, यहाँ पे होना चाहिए ब्लू, मतलब ये सही पीस नहीं है, ये यहाँ पे सही पीस नहीं है। अब ये देखते हैं, देखिए ये पीला ऊपर चला जाएगा और रेड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये ग्रीन है, इसको ब्लू होना चाहिए था, ये भी सही पीस नहीं है। इधर देखते हैं ये ब्लू है, ये रेड है और ये भी सही पीस नहीं है और ये भी सही पीस नहीं है। कोई भी कॉर्नर पीस सही पीस नहीं है। वो क्या है, सबसे पहले लेफ्ट को अप करेंगे, ठीक, लेफ्ट को क्या कर रहा है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप को क्लॉकवाइज, फिर राइट को क्लॉकवाइज, फिर पुनः उस स्थिति में अप को एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट को क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पुनः उस अप जो है अप को क्लॉकवाइज, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप को एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमा दिए, ये पुनः स्थिति में आएगा और ये चेक करेंगे ये क्या मैच कर रहा है। देखिए ये है रेड, ये रेड नहीं है, मतलब ये पोजीशन में नहीं है, तो इसको फिर वैसे इसको भेजना है कहां पे, इसको हमें यहां पे भेजना है। अगर इस चीज को हमें यहां पे भेज देंगे तो सही हो जाएगा, ये पीस सही हो जाएगा। सही करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर तीन, पहले इसको अप करेंगे, फिर अप को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर राइट को क्लॉकवाइज, फिर पुनः उसी स्थिति में आपको एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट को क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर उसके बाद अप जो है क्लॉकवाइज, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर अप को एंटी क्लॉकवाइज, पुनः उसी स्थिति में आ गया। अब चेक करते हैं, अब देखिए ये पीस ब्लू ब्लू से मैच कर गया, रेड रेड से मैच कर गया और येलो येलो से मैच कर गया, ये पीस तो सही है पोजीशन पे है। अब इसको चेक करते हैं, ये यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं है, मतलब ये पीस सही नहीं है, तो इस पोजीशन को टारगेट बनाएंगे और इसको हमें भेजना है यहाँ पे। इसको यहाँ पे भेजने के लिए फिर वही अल्गोरिदम प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला पहले ऊपर फिर इस साइड फिर ऊपर फिर इधर फिर नीचे फिर इस साइड फिर ये जो फॉर्मूला हमने प्रयोग किया था वही फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब देखिए ये ग्रीन है, ग्रीन से मैच करेगा, अब ये रेड है, रेड से मैच करेगा, ये पीला है, पीले से मैच करेगा, मतलब ये पोजीशन पे सही है, इसको छोड़ देते हैं। अब ये चेक करते हैं, ये पीला ऊपर चला जाएगा, ये ऑरेंज ऑरेंज के पास, ग्रीन ग्रीन के पास, मतलब ये दोनों पोजीशन पे सही है, इसको टच नहीं करना है। तीसरा देखते हैं, ये सही है, ये सही है और ये सही है, इसको देख करते हैं, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब हमारा ये जो दो है, दो बचा हुआ है, ये हमारा सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर चार, चार क्या है, सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे, जिस जो हमारा गड़बड़ है उसको टारगेट करेंगे, इस साइड रखेंगे, पहले हम क्या करेंगे राइट को, ये जो राइट है
राइट को हम नीचे करेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नीचे कर लिए, फिर जो डाउन है उसको क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, इसको आर प्राइम, ठीक, फिर डी प्राइम, यह है डी प्राइम, प्राइम का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आर प्राइम डी प्राइम, फिर आर डी, फिर आर प्राइम डी प्राइम आर डी, फिर आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे पीला सही नहीं हो जाता है, फिर आर प्राइम फिर डी प्राइम फिर आर फिर डी, ये डी हमने कर दिया, ये तो हमारा गड़बड़ हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, पीला हमारा एकदम सही पोजीशन पे आ गया, ये हमारा एकदम क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको टारगेट करेंगे, ये हमारा गड़बड़ रहेगा, रहने दीजिए, अब इसको टारगेट करेंगे, इसको घुमा लेते हैं, ये हो गया। अब इसको फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर, ये ऊपर घुमाते हैं आर डी, फिर आर प्राइम डी प्राइम फिर आर फिर डी, ये हो गया। अब ये ग्रीन, ये ग्रीन, अब इसको ग्रीन के पास ले जाएंगे, चलिए ले जाते हैं, ये आ गया ग्रीन। तो देखिए ये पूरा का पूरा हमारा फाइनल, इधर भी फाइनल, ये भी फाइनल, ये भी फाइनल और ये फाइनल, ऊपर देखते हैं ये भी फाइनल, मतलब इस तरह से आपका क्यूब फाइनल हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।